Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 8th subject is all about the topic of class 2 and 2 for second. So, if you अगर हम क्लास पेशेंट की बात करेंगे तो इसमें जो है वो हम स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार से जो है वो हम क्लास पेशेंट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। एज पर स्टॉक रिसोर्सेज जो है वो दो तरह के हैं, एक है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार से यूबिकेशियस और लोकलाइज्ड। अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें यानी इसमें वो सारे रिसोर्सेज आते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से इनमें किसी किस्म की कोई खास गिरावट महसूस नहीं होती है। क्योंकि अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने से उनमें कमी महसूस होती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये क्विकली रिप्लेनिश नहीं होते हैं। मसलन जो रिन्यूएबल होते हैं ये ईजीली रिप्लेनिशेबल होते हैं। अगर हम ये फ़र्क इस पर दिखाएंगे दिखाने की कोशिश करेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये नॉन रिप्लेनिशेबल है, और अगर ये बनेंगे भी लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बनने में लगता है। क्योंकि जो दूसरा इसमें पॉइंट है ये लिमिटेड होते हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। तो इन पर ज़्यादा इंसानी चीज़ों का या इंसानी फरकात सबका असर नहीं रहता है, लेकिन इन पर ज़्यादा इंसानी हरकत का असर रहता है, और जहाँ जितना हम इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये ख़त्म हो जाते हैं। जितना हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा ख़त्म नहीं होते हैं। अगर हम रिन्यूएबल चीज़ों की मिसाल देंगे तो इसमें पानी है, वाटर है, एयर है, सोयल है, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स की है। और इस तरह से अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इसमें पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, या जो मेटल्स है, ये दिन ब दिन जो है इनकी कमी महसूस होती है और उनका कीमत जो है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि रही बात डिस्ट्रीब्यूशन के अखबार से रिसोर्सेज का जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यूबिकेशियस रिसोर्सेज की, तो यूबिकेशियस वो सारे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, यानी यूबिकेशियस जो है होते हैं ये हर जगह होते हैं, एवरीवेयर होते हैं। क्योंकि जहाँ तक लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की बात होती है ये समवायर होते हैं, किसी किसी जगह पे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इनकी हो तो ये बहुत कम होती है, लेस क्वांटिटी में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम यूबिकेशियस रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें जो चीज़ हर जगह हमें देखने को मिलेगी या जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें मसलन पानी एक आम मिसाल है जो हर जगह होता है, या हम एयर की बात करें ये भी हर जगह होता है, या हम सोयल की बात करें ये भी हर जगह होता है। और इस तरह से अगर हम बात करेंगे और भी चीज़ों की, मसलन सोयल की बात करेंगे तो ये भी हमें, या फॉरेस्ट या ट्रीज की बात करें तो हर जगह होते हैं। लेकिन अगर हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की मिसालों की बात करें, मसलन अगर हम कान कहीं माइनिंग की बात करें तो कहीं हमें मेटल्स एक तरह के मिलेंगे तो कहीं हमें किसी दूसरे तरह के मेटल्स मिलेंगे। इस तरह से अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो हमें गोल्ड कहीं मिलेगा और कहीं वो नहीं मिलेगा, कहीं तो हमें टिन मिलेगा, कहीं जिस जगह से पेट्रोल मिलेगा वहाँ से हमें जो है बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, यानी ये लोकलाइज्ड होते हैं। तो ये जो है ये हर जगह पे होते हैं, तो यूबिकेशियस इनका नाम है लोकलाइज्ड। क्योंकि आज का क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिखाया स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के अखबार से दो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल है और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन के अखबार से यूबिकेशियस और दूसरा जो है वो है लोकलाइज्ड। तो आज क्या सबसे खुदा है।